हेलो फ्रेंड्स, ये तरोई की सब्जी बना रहे हैं सिंपल तरीके से। देखिए, सबसे पहले ये मस्टर्ड ऑयल है, ये डाल रहे हैं, तो कम ही डालना है। ये देखिए, इतना काफी है। ये है एक चम्मच, में थोड़ा कम है तो ये डाल दिया है। अब जीरा डालेंगे, लो फ्लेम में, इसलिए से कड़ा ही है ना, ये जीरे से टटने लगे। फिर प्याज, इसमें दो प्याज और 6-7 कली लहसुन और अदरक और हरा मिर्च, ये पीस लिया है। अभी डालते हैं, हाथ से जल्दी हो जाता है तो टाइम लग जाता है, चम्मच से भी हो जाएंगे। हाँ, तो अभी थोड़ा हाई फ्लेम पे ही कर रही है क्योंकि मसाला डाला सब ठंडा हो गया कड़ाही वगैरह। ये फ्रेंड तरोई है और ये देखिए आलू है, ये इसमें पनीर भी मिक्स करते हैं थोड़ा, ये और प्याज इसमें। कम ऑयल डाला है फ्रेंड, भले ही ज्यादा ऑयल में ठीक नहीं है, जो सब्जी जितने में पक जाए ज्यादा ऑयल डाल तो अच्छी तो लगती है देखने में, लेकिन वही हेल्थ के लिए फिर तो ऑयल कम कम ही अपन लोग डालते हैं सभी सब्जियों में, क्योंकि डीप फ्राई बीच में खाना पड़ जाता है, भुन जाए मसाला भुन जाए अच्छे से। ये फ्रेंड पनीर बनाते हैं ना, जो घर में पनीर बनाते हैं तो वही पनीर है, तो ये दो पीस पनीर के ये है, ये दो पीस कट कर रहे हैं पनीर के। अब ये बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है क्योंकि जो मसाले का पानी था ना प्याज वाला उड़ गया है, अब थोड़ा इसमें ही भूनेंगे, बाद में फिर मसाले ऐड करेंगे सारे। थोड़ा भुन जाए, लो फ्लेम पे ही भुन जाए अच्छे से। ये फ्रेंड हल्दी है, इसी कटोरी में गीली करेंगे पानी डाल के। ये देखिए हल्दी 1/2 चम्मच करीब होगी, 1 चम्मच में कम है थोड़ा। ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच, ये भी डाल देंगे। ये गरम मसाला है, ये गरम मसाला है 1 चम्मच में कम थोड़ा। और ये नमक है, इतना नमक काफी इतनी सब्जी के लिए, थोड़ा और तो नमक स्वाद के अनुसार डाले, थोड़ा मिर्च नहीं डालेंगे, थोड़ा और भुन जाए। ऑयल कम डाला ना तो, लेकिन जब वो भुनता है तो दिखता है सूखा सूखा सा। अब ये पनीर है तो ये कट कर लेंगे फ्रेंड। क्या है कि जैसे लौकी तरोई अगर बच्चे पसंद नहीं करते खाना तो अपन लोग थोड़ा पनीर मिक्स करके बना ले, तो आलू मसाला ये सब पीस के, तो फिर ज्यादा तरोई उतना स्वाद नहीं आ पाता, खा लेते अच्छे से फिर बच्चे। ये कट गया है पनीर सारा, आप लोग थाली में रख के ही काटे फ्रेंड, तो अब अभी और थोड़ा भुन रहा है, मीडियम फ्लेम पे ही भुन रहा है।
मीडियम फ्लेम पे है। एंड ये जो मसाले निकाले थे ना, तो ये सारे देखिए पानी डाल दिया है हल्का सा, ये घोल लिए हैं सब। अब ये डालेंगे, इस तरह से अच्छे से पक जाते हैं। अब हो गई है प्याज, अब ये डालते हैं मसाले। अब मीडियम फ्लेम पे ही है अभी गैस, और हाई फ्लेम पे कर रहे हैं क्योंकि अब कुछ नहीं करना है, खड़े होकर चला ही रहे हैं इसको। स्टील की या लोहे की कढ़ाई है, पतली तो है लेकिन इसमें ज्यादा सही है सब्जी बनाना। एल्युमिनियम में लगकर सभी रिएक्शन हो, थोड़ा भुन जाए अच्छे से मसाले वगैरह। डालते हैं सब्जियां, मीडियम फ्लेम पे है अभी। अब ये सारी सब्जियां डाल रहे हैं पकने, इसी में सब कुछ मिला दिया है जो भी कट किया था, तो ये सारी सब्जियां डाल दी है। अब इसको ढक रहे हैं, पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड बिल्कुल, क्योंकि तरवे में पानी निकलता है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इसको 5 मिनट बाद चला दीजिएगा, 4-5 मिनट बाद, क्योंकि उलट पलट करना है सब्जी को, नहीं तो ये तली भी लगने ना पाए। ये अब इसको ढक दे रहे हैं, ये सब अच्छे से मिक्स हो गया मसाला, अब इसको ढकते हैं। इसको ढक दे, ये ढक दिया है फ्रेंड। अब इसको 4-5 मिनट उलट पलट कर दीजिएगा। फ्रेंड ये सब्जी पक रही थी तरोई की, तो ये 9-10 मिनट करीब हो गए हों, तो कोई भी हरी सब्जी हो 10 मिनट तक तो अच्छे से पक जाती है। अब खोल के देखते हैं, बीच में हमने 4-5 मिनट बाद चला दिया था इसको। ये देखिए आलू और तरोई दबा के देखना है, वो तो दबने लगी होगी, पनीर तो ऐसा पक ही जाता है। ये तो हाँ तरोई तो ठीक है दबी, देखिए आलू भी अच्छे से पक गया है। अब इसमें थोड़ा जैसे तरोई से पानी निकलता, अगर आप चाहें तो हाई फ्लेम करके पानी उड़ा दें, लेकिन जो ये इसकी ग्रेवी टाइप की हो गई ना, ये ज्यादा टेस्टी होती है। जो भी मसाले थे इसी में सब आ गए हैं। अब गैस ऑफ करते हैं, निकालते हैं सब्जी। तो फ्रेंड अगर जैसे तरवई आलू वगैरह जो भी है ऐसे बच्चे डायरेक्ट ना खाएं, तो कुछ उसमें अपन मिला दे ना पनीर वगैरह, तो वो थोड़ा टेस्टी हो जाता है, तो बच्चे भी आसानी से खा। बाकी अपन टमाटर वगैरह इसमें नहीं डाला, आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये पराठा रोटी सभी के साथ अच्छी लगती है, इसमें हल्की सी रसा टाइप का है ना, तो ये इसमें ग्रेवी का इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ऐसे लग रहा है जैसे अपन लोगों ने ग्रेवी वाली ही बनाई है, लेकिन तरोई की है। तो फ्रेंड रोटी पराठा सभी के साथ खा सकते हैं, चावल सभी के साथ, और सिंपल तरीके से बहुत कम ऑयल में अच्छी बन गई है। नमस्कार फ्रेंड, थैंक यू। जो भी रेसिपी अच्छी लगा करे आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। नमस्कार।